द्वितीय सील, दूसरा सील, जो पिछली वीडियो आपने देखी जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई सूरमा, दुनिया का कोई शहंशाह, कोई बादशाह, दुनिया की कोई सरकार या दुनिया का कोई व्यक्ति या संगठन आपको गुलाम नहीं बना सकता जब तक आप इन पांच चीज़ों के गुलाम ना हों। उसमें एक व्यूवर ने ये पूछा था कि ये जो पांच चीज़ हैं इनके बारे में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा विस्तृत बताएं, विस्तार में बताएं। तो दूसरी जो वीडियो बनाई थी उसमें पाणाति पाता के बारे में यानी हत्या के बारे में बताया गया था। ये जो दूसरा सील है, द्वितीय जो सील है, ये है अदन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामी। इसको अगर सरल भाषा में कहेंगे तो इसका मतलब यह है, अदन्न, अदन्न का मतलब है जो ना दिया गया हो, ए दिन, दिन माने होता है दिया गया, और ए अगर लगा देते हैं तो अदिन हो गया, यानी कि जो नहीं दिया गया हो। अदिन अदाना, अदाना का मतलब है आदान, आपने सुना होगा आदान प्रदान कीजिए, आदान माने और प्रदान माने, प्रदान माने होता है देना और आदान माने होता है लेना, ग्रहण करना। तो अदिन्न दाना, अदिन्न दाना का मतलब यह है कि जो चीज़ नहीं दी गई है उसको ग्रहण नहीं करना है, ऐसी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी का मतलब है ऐसी शिक्षा मैं लेता हूँ कि मैं जब तक कोई वस्तु मुझे नहीं दी जाएगी मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा। इसका साफ और सरल सा मतलब और भी ज़्यादा है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा लेता हूँ। यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहा गया है जो दूसरा सील है, क्योंकि पहला सील तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सभी सील का सिरमोर है, सिरोमणि है, और दूसरा सील उसके बाद है, इसका मतलब इसकी इम्पोर्टेंस दूसरे नंबर पे है, मगर ये बहुत पावरफुल सील है। ये काम कैसे करता है? जब कोई व्यक्ति चोरी के लिए आगे हाथ बढ़ाता है तो सबसे पहले चोरी उसके मन में आती है, मन में आती है। जैसे आप किसी कि यहाँ गए या किसी दफ्तर में गए या कहीं बस में गए या कहीं भी आप जाते हैं, आपका मन पूरी तरह से शुद्ध होता है, आपको चोरी का ख्याल नहीं आता है। मगर अगर उस दफ्तर में या उस घर में कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको काम की है, जो आपको बार बार सपनों में आती है, या जो आपकी ज़रूरत की है या ना भी अगर ज़रूरत की है और आपका मन उसको ले जाने को है, तो जैसे ही आपके मन में ये बात आएगी कि इस चीज़ को मैं अपने साथ लेके जाऊं, तो इसकी दो बातें होंगी कि पहली बात तो यह है कि मैं इस व्यक्ति से या उस वहाँ जो भी लोग हैं उनसे पूछूं और उनसे इजाज़त लूं कि मैं ये चीज़ चाहता हूं, आप मुझे ये दे दें। और दूसरी बात ये आएगी कि आप बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी को कहे वो चीज़ उठा के ले जाएं। पहले वाले केस में चोरी नहीं है अगर वो आपको मिलती है, क्योंकि वो आपको दी गई है, अदन्न नहीं है। मगर दूसरे वाले केस में वो चोरी है, जैसे ही आपके मन में अदन्न का भाव आएगा, चोरी का भाव आएगा, वैसे ही आपके शरीर की कई सारी फाइलें अचानक से खुल जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ध्यान से दीजिए, या तो ब्लड प्रेशर हाई जाएगा या ब्लड प्रेशर लो जाएगा, मगर पहला वाला नहीं रहेगा। आपके शरीर में आपका जो मन है वो चारों तरफ देखेगा, ध्यान देगा, अब उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस काम करने के चक्कर में वो बहुत सारी फाइलें बंद कर देगा जो सावधानी की फाइल होती हैं, जो जीवन को स्वच्छ रखने की फाइल है। अब आपका सारा ध्यान उस चीज़ में है जिस काम के लिए आप आए थे, वो काम पीछे रह गया, जिस काम के लिए आपको जाना था वो काम कहीं छूट गया, आपका सारा ध्यान उस चीज़ को ले जाने में है। आप 100 बहाने करके उसको ले जाने के तरीके बनाएंगे, चेक करेंगे कैसे लेके जाऊं कैसे नहीं। जैसे ही आप उस चीज़ को पकड़ते हैं या लेते हैं, अपने कब्जे में करते हैं, वैसे ही वहां से आप भागेंगे, क्योंकि अब आपने जो काम किया है वो प्रकृति के अगेंस्ट में किया है, नेचर के अगेंस्ट में किया है, सोसाइटी के अगेंस्ट में किया है, लॉ के विपरीत किया है। यानी जो नेचुरल लॉ है और जो लोगों ने बनाया हुआ नियम है, जो देश का नियम है, उसके विरुद्ध आपने काम किया है, तो आपको वहाँ से अब भागना है।
ये भागने की फाइल अचानक से नहीं खुलेगी, ये चोरी के साथ ही एक्टिवेट हो जाती है और उस चीज़ को लेके आप वहाँ से तेज़ी से निकलेंगे। अगर जीना है तो, लिफ्ट है तो, आप बाइक से आएँ तो, कार से आएँ तो, बस में जा रहे हैं तो, या रेलगाड़ी से तो, पैदल तो। अब आपको दिमाग में ये नहीं चलेगा कि आप किस रास्ते जा रहे हैं, सीढ़ियाँ कितनी हैं, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ या नहीं हुआ, या पैदल में कोई खड्डा है या नहीं है, सामने कोई पोल गड़ा हुआ है या नहीं, कोई बिजली का खंभा है या नहीं है, कोई आ रहा है या नहीं जा रहा है। अब आपका उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा कि आपको किसी ने अगर देख लिया हो या ना देखा हो तो यहाँ से जल्दी से भाग जाएं। उस भागने में, क्योंकि सारा एक्टिवेशन जो आपके फाइलों का और आपके मन का हो रहा है, वो ऊर्जा सारी वहाँ जा रही है, सारी असावधानियाँ होंगी, आप बाइक गला चला सकते हैं, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, आप सीढ़ियों से रपट सकते हैं, आप खंभे से टकरा सकते हैं, आप लोगों से टकरा सकते हैं, आप बस में चढ़ते हुए गिर सकते हैं, आपकी हार्ट बीट जैसे ही आप चढ़ेंगे वैसे ही थोड़ी थोड़ी नॉर्मल कंट्रोल होनी शुरू होगी। जब आपको ये पता चलेगा कि अब मैं उस रेंज से, उस परिधि से, उस परिमाप से बाहर आ गया कि अब मैं रेड हैंडेड यानी रंगे हाथ पकड़ा जा सकता हूँ सामान के साथ। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अब आपने जो सामान लिया है, अब आपको ये डर रहेगा अगर किसी ने मुझे फ़ोन करके पूछ लिया या किसी ने मुझसे ये पूछा तो मैं क्या कहूँगा। आपका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा उस बात में जाएगी कि आपको क्या बहाना बनाना है, क्या बहाना नहीं बनाना है। यहाँ भी जान नहीं छूटी। उसके बाद जब आप जाएंगे, घर जाएंगे, तो घर जाके घर पे जो बच्चे हैं वो पूछेंगे, जो पत्नी है वो पूछेगी, या पति है वो पूछेगा, या माता पिता पूछेंगे ये चीज़ कहाँ से आई। तो उसके लिए आपको बहाना बनाना पड़ेगा। आपका जो मन है, आपका शरीर अभी भी काम पे लगा हुआ है, आप उनको बताएंगे और आपको एक डर हमेशा रहेगा कि ये चीज़ मेरी पकड़ी ना जाए, कोई आके देख ना ले, जहाँ से मैंने चुराई है वो लोग आ ना जाएँ, इसका जिक्र ना हो जाए। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद आपको एक डर और रहेगा कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ मैंने चोरी की है। जब भी उस चीज़ को आप देखेंगे, बार बार आपके मन में ये आएगा कि ये चीज़ मैंने चोरी की है। इस चोरी करने का जो भाव है, उसकी एक फाइल जनरेट होती है बॉडी के अंदर। वो बार बार जब रिपीट होती है तो वो फाइल हैवी होती चली जाती है। जितने ज़्यादा रिपीटेशन होते हैं उतनी ज़्यादा वो हैवी होती चली जाती है, और जितनी ज़्यादा वो भारी होती जाती है उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में वो डिसीज़ पैदा करती है। सबसे पहले तो आपकी जो कहेगी वो कहेगी अनइजीनेस, यानी कि आपको असहजता रहेगी, आप सहज नहीं हो पाएंगे, सरल नहीं हो पाएंगे। जब भी उसको इस्तेमाल करेंगे आपके अंदर असहज भाव आएगा, जो नेचर के अगेंस्ट आएगा, नेचुरल फीलिंग नहीं आएगी। उसके बाद में पकड़े जाने का डर आपके अंदर हमेशा बना रहेगा, वो फाइव ऑलवेज एक्टिवेट रहेगी। किसी ने अगर गलती से फ़ोन करके या किसी और के बारे में पूछा तो हो सकता है कि आप उस फाइल, क्योंकि वो फाइल खुली हुई है, उसके बारे में आप बोलें जो आपने पहले से तैयार कर रखा है। यहाँ पर भी बात नहीं ख़त्म होती। जो फाइल एक्टिवेट हुई है, वो फाइल जो एक बार स्टार्ट हो गई है, वो आगे जाके बड़ी होगी और वो डिसीज़ पैदा करेगी, और आप लगातार अगर चोरी करते रहेंगे तो फाइलें मोटी होती रहेंगी, अल्टीमेटली आपको ब्लड प्रेशर कर देंगी, शुगर कर देंगी, या जो नर्वसनेस है वो कर देंगी, जिसको कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन, वो कर देंगी। बहुत सारी चीज़ें वो पैदा कर सकती हैं, साइड बाई साइड उनसे और भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपके साथ में ये हुआ कैसे। अब अगर आप चोरी नहीं करते हैं और मांग के लाते हैं, तो ज़्यादा ये होगा देने वाला उसको मना कर देगा, या देने वाला कुछ मूल्य मांग लेगा, या देने वाला कुछ समय के लिए देगा फिर बाद में वापस मांग लेगा, या मना कर देगा। मगर इस केस के बाद में आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, और आप किसी और तरीके से मेहनत करके, या कहीं और तरीके से कुछ पुराना खरीद गए, कुछ नया खरीद गए, या किसी का उधार ले काम चलाने के लिए कोशिश करेंगे। काम दुनिया में सबके चल जाते हैं। तो चोरी का ये एक एग्जाम्पल है। चोरी का एक एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे सपोज आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके हाथ में कोई सामान है, उस सामान को आपने रखा, और फिर वहाँ से आप जब दोबारा चले तो उस सामान के साथ में किसी का एक मोबाइल आ गया, आपको पता नहीं चला, और वो मोबाइल आपके साथ साथ कागज़ों में लिपटा हुआ, पेपर में लिपटा हुआ, अखबार में लिपटा हुआ, डायरी के बीच में रखा हुआ, वो आपके साथ साथ चल रहा है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो मोबाइल है आपके साथ आ चुका है, तब तक आप नॉर्मल रहेंगे। मगर जैसे ही उस मोबाइल की घंटी बजेगी, अचानक ही आप देखेंगे कि ये क्या बजा, मेरे मोबाइल की घंटी नहीं है। आप देखेंगे ये मोबाइल की जो घंटी बजी है, तो एक साथ आपके साथ में तीन बातें होंगी। पहली तो ये होंगी कि इस फ़ोन को उठा के तुरंत बात करें और जिसका ये मोबाइल है उसको बता दें। दूसरा ये होगा कि आप उस फ़ोन को ना उठाएँ,
और तीसरा ये होगा कि कभी उठाएं कभी ना उठाएं, इस असमंजस में आप चलते रहेंगे। पहली स्थिति में अगर आप उठा के कह देते हैं कि ये मोबाइल मेरे पास है, गलती से आ गया है, मेरे साथ लग के आ गया है, आप ले जाना, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी, वो भी आश्चर्य के रूप में, नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, उसके बाद वो शांत हो जाएगी। मगर अगर आपने ये सोच लिया कि ये मोबाइल तो अच्छा है, मुझे पसंद है, अब मैं दूंगा नहीं इसको, तो वो फ़ोन की घंटी जब तक बजती रहेगी तब तक आपकी हार्ट बीट बढ़ती रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, और उसके बाद में फिर चक्र स्टार्ट होगा, जो प्राकृतिक चक्र है, चोरी का चक्र है, वो स्टार्ट होगा, और फिर 100 बातें आपके दिमाग में आएंगी, फ़ोन को बंद कर दूँ, दूँ या ना दूँ, घर पर क्या बताऊँगा, कहीं बेच दूँ, कहीं लाऊँ, और जब तक वो फ़ोन रहेगा आपके पास में, और उसके बाद तक भी वो फाइल बनाता रहेगा जो आपको जीवन भर नुकसान करेगा। कोई किसी का अगर पैसा लेके मार जाता है तो पैसा लेने वाला इतने आराम से नहीं रहता, वो बहुत सड़ सड़ के मरता है। मजबूरी में किसी की बात हो और वो आके कह दे कि मैं मजबूर हूँ, पैसा नहीं दे सकता, तो बच जाएगा, मगर अगर वो चोरी करके भाग जाता है तो फिर वो नहीं बच पाएगा। जो लोग चोरियाँ करते हैं, किसी भी तरह की चोरियाँ हैं, चाहे वो सेल टैक्स की चोरी है, चाहे इनकम टैक्स की चोरी है, चाहे गवर्नमेंट की चोरी है, चाहे वो बातों की चोरी है या किसी सामान की चोरी है, किसी भी तरह की जो चोरी करते हैं, वो देखने में ज़रूर लगते होंगे कि इनके बड़े मोटे पेट हैं, इनके पास बड़ा पैसा है, बहुत ज़्यादा सामान है, ये तो बड़े सुख सुविधा से संपन्न हैं। आप अगर रात को या उनके मन से पूछेंगे, या अगर वो कभी विपस्सना में जाते हैं, तो ऐसे लोग विपस्सना में पहले कोर्स में उछलते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी फाइलें सारी खुल जाती हैं और जो निकल के सामने आती हैं, उन फाइलों को डिलीट करने में हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चोरी करता हो और लगता हो दूर से कि इसके पास बहुत सारी फिजिकल चीज़ें, बहुत सारी भौतिक चीज़ें, बहुत सारा सामान इसने इकट्ठा कर लिया है, मगर वो सुखी नहीं होगा। सामान रखने से कोई आदमी अगर सुखी होता तो फिर तो सारी दुनिया में सारे सुखी जो डेवलप कंट्री हैं उन्हीं में मिलते हैं। सुख होना इस बात से करता है कि आपका मन कितना शांत है और कितना शुद्ध मन है आपका। जितना शुद्ध मन होगा, जितना शांत मन होगा, उतना सुख आपके पास आएगा। सामान कितना हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। सामान जिंदगी को आसान बना सकता है मगर सुखपूर्वक नहीं बना सकता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जीने के लिए सामान ही छोड़ दें, ये तो जो भिक्कू हैं या भिक्कुणी हैं उनका काम है। गृहस्थ आदमी को इतना तो कमाना ही चाहिए, इतना सामान तो इकट्ठा करना चाहिए कि उसका जीवन सुख और शांति के साथ चलता रहे। धन्यवाद।